हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज उन्हीं कुछ दिनों में से एक दिन है, मतलब हर एक हफ्ते में से एक दिन आता ही ऐसा है जिसमें मैं गंदा बोर होता हूँ। ठीक है, मेरे से पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ मन नहीं लग रहा होता और मैं वेस्ट कर देता हूँ उस दिन को। कैसे वेस्ट करता हूँ? मैं मोबाइल को स्क्रॉल करूंगा, लैपटॉप को स्क्रॉल करूंगा, यूट्यूब पे हरकतें करूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। पर मेरा मन एक्चुअली कर रहा था कहीं बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का। पर ऑब्वियसली किसी का टाइम जोन आपके टाइम जोन से मैच तो करने नहीं वाला, हम जिस फील्ड में हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो यार, इसका सोल्यूशन यही है कि बिना किसी की परवाह किए अकेले निकल जाओ बाहर, कहीं भी जहाँ मन कर रहा है बस निकल जाओ। बस एक बार लगता है कि यार कहाँ जाए, अकेला क्या करेंगे, बोर होंगे वगैरह वगैरह, पर तुम निकल जाओ क्योंकि तुम घर बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे, वरना ये बढ़ता है। मेरे साथ बहुत होता है, ये बढ़ता रहता है और फिर 2 हफ्ते में मिस करूंगा, तीसरे हफ्ते में एकदम फटता हूँ कि यार कुछ भी नहीं हुआ। ओके, सो आफ्टर टेक्सटिंग टू मोर देन 5 to 10 पीपल, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली टाइम जोन मैच नहीं कर रहा, तो मैंने डिसाइड किया कि नॉट प्लेस जाऊंगा मैं अकेला, क्योंकि वही मेरे को समझ आ रहा था। और जो जो ट्रस्ट मी, जो जो मैंने प्लान किया था वो कुछ भी नहीं हुआ आज। ये वीडियो मैं आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंट्रो, बट आई हैव एंजॉयड माई टाइम। और देखो, अगर मैं पसंद आया तो तुम भी कभी ट्राई कर लेना यार, बेटर यही होता है। ठीक है, और मैं वो नहीं कर रहा था तो ऑब्वियसली मैं मोबाइल पे होता। ओके, तो मैं उतर गया हूँ राजेंद्र प्लेस। सबसे पहला काम करूंगा यूलू स्पॉट को ढूंढना। भाई घंटा 2 रुपए का इंटरेस्टेड नहीं होता मैं म्यूजियम वगैरह में, पर मैंने ले लिया टिकट, पता नहीं क्यों 20 रुपए की टिकट थी सिर्फ। अब आया हूँ तो मैंने कहा सब एक्सप्लोर करते हैं, चलो देखते हैं। चप्पल उतारने के लिए कह दिया गया है, चलते हैं इसको रखिए अंदर। ओह माय गॉड, कोई पहली बार म्यूजियम में आ रहा हूँ, ऐसा होता है। देख लो डिटेलिंग वगैरह, मैं तुम्हें इतना कुछ नहीं दिखाने वाला, मैं खुद समझ लूँ, को घंटा समझ नहीं आ रहा कुछ। ओके भाई, तो जगह तो अंदर जाते ही खत्म हो गई, 20 रुपये पता है। ठीक है, दिस प्लेस वॉज गुड बट नॉट फॉर मी। BA वालों तुम आओ यार, मैं तो BCom वाला हूँ। ऐप के अकॉर्डिंग तो पहुँच गए हैं, देखते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर कहीं है मिल गई लगता है। वो देखिए, ये तो स्कैम हो गया यार, कह रहे हैं 26 जनवरी तक सब कुछ बंद है, सिक्योरिटी का है कि सिर्फ मैं यूज लेके भाग जाऊंगा, टेररिज्म क्या चल रहा है। वो सर्विस तो बंद है, पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ये भाई। उन्होंने सही के चलाए थे तो मैं घर पे भी चला सकता था। ओके, तो पहली डेस्टिनेशन पे तो अपना पोपट बनते हुए, और अब हम जा रहे हैं अग्रसेन की बौली, क्योंकि हमारे पास और कोई भी जगह नहीं जाने के लिए यहाँ पे। तो अब वहां जाके पहले देखेंगे कि रीलों में जितना सुंदर लगता है क्या वो ऐसी में है भी या नहीं है। भाई किसी ने देखा कभी इतना बड़ा हेडक्वार्टर? ये देखना, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। ये बिल्डिंग तो बड़ी मस्त लग रही है, मैं पहली बार ऐसा कुछ देखा। कम अक्रॉस दिस अमेजिंग कूल लुकिंग बिल्डिंग, ये भी बहुत मस्त है यार। ये सब मेरे को नहीं पता था, अकेले बाहर निकलो तो पता चलता है यार क्या क्या है इधर। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाली बिल्डिंग। तो अपना कोई काम नहीं है, बस मेरे को रास्ते में दिख गई तो आई थॉट आई शुड रिकॉर्ड। तो वहाँ चलते चलते बीच में मिल गया हमें जंतर मंतर, तो हम यहाँ भी घुस गए। हर जगह पैर मार के जाना है एक बार। यहाँ की टिकट है 25 रुपये, और ये ऐसी कुछ जगह है। श्योरली कपल या फिर दोस्तों के साथ आना बनता है, बट हम खुद ही अपने कपल हैं तो ओके लेट्स एक्सप्लोर। फोटो सेशन कर रहे हैं भाई सब लोग, मैं भी घुस जाऊंगा एक बार, अभी खाली होने दो, 4-5 फोटो तो खींच के जाऊंगा, कुछ तो वर्थ करना पड़ेगा यार। ये तो एक्चुअली में कूल है, फोटो वगैरह के लिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। चढ़ बढ़ के स्पाइडर मैन बन के प्रॉपर फोटो तो सकता। अरे लोग बन रहे हैं स्पाइडर मैन, मैं भी बनूंगा जाके देख लें। कूल है जगह, अब मैं अपनी फोटो यहीं ऐसे ही खींचूंगा, वीडियो बनाऊंगा मैं वीडियो। ऐसे बैठूंगा स्टाइल में, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटो इसलिए बढ़ेगी भैया अकेला बंदो।
डन विद दिस प्लेस ऑल्सो. छोटी है, सुंदर है, फोटोजेनिक है, और किसी के साथ तो अकेले आ जाना मैं कह रहा हूँ. भाई जगह तो सजे जा रही है, चलो मजा आएगा. भाई मेरे को समझ आ गया लड़की को जनपद इतना पसंद क्यों है. 400 की चीज 150 में मिलने को तैयार है. तुक्के में ही कह दिया तो भैया 150 ले लो भैया, तो पीछे बढ़ के कह रहा है भाई दे 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 बोनी का. मैंने कहा अरे भाई फंस गया मैं भाई, ये बार्गेनिंग लड़कों की बस कहानी है यार. एक बार डिपॉज कॉफी तो बनती है यार. अच्छा यार मैंने कहा था भैया आपको जो समझ आ रहा है दे दो उस पर्टिकुलर में से. क्या है ये फ्रेंच वनीला? सही है यार, ट्राई कर. बिल्कुल ही ढाबा यहाँ पे भी घुसेंगे हम क्योंकि व्हाई नॉट. ओके यार तो यही था मेरा आज का कुछ दिन. अब जा रहा हूँ घर. थैंक यू एवरीवन, पीस आउट.